तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम कुमार और आज हम जानेंगे कि अपने फोटो को रिसाइज कैसे करते हैं। तो सभी भाइयों को बहुत सी प्रॉब्लम आती है फ्रेंड की, जब भी कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसमें फोटो की साइज मतलब 50 KB से कम होनी चाहिए, तब वो फॉर्म में एक्सेप्टेड करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि फोटो को रिसाइज कैसे करते हैं, कितना भी केबी का क्यों ना हो उसे हम कम केबी का कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए फ्रेंड आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और मेरे चैनल पे जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड चलते हैं वीडियो की ओर। तो सिंपली फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा क्रोम ब्राउजर ऑन करना है। क्रोम ब्राउजर ऑन करने के बाद फ्रेंड सिंपल यहाँ पे लिखना है फोटो रिसाइज। देखिए फ्रेंड, मैंने टाइप करा था तो यहाँ पे आ गया फोटो रिसाइज। इस पर क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाले रिसाइज इमेज ऑनलाइन इस पे जाना है, जेपीजी फाइल में कन्वर्ट करते हुए ये। तो फ्रेंड इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आएगा, तो आपको जो भी फोटो को रिसाइज करना है तो उस फोटो को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि फ्रेंड मैंने ये फोटो ले लिया, जैसे कि ये है 2.64 MB की है, सॉरी इंग्लिश में करता हूँ, हाँ 2.64 MB की है। तो मैं इसे कम एमबी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो सिंपली फ्रेंड्स, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, तो यहाँ जो क्वालिटी है इसे हम घटाएंगे। जैसे 90 की है तो हम यहाँ पे अपने हिसाब से 50 कर दे रहे हैं और रिसाइज पे क्लिक करेंगे। रिसाइज पे क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा फ्रेंड, उसके बाद देखिए। हाँ तो फ्रेंड अभी हो गया, यहाँ पे आ गया। अब ये बताएगा हमें ये कितनी सी केवी की है। ये आ गई 2.64 MB सिलेक्टेड था और उसके बाद रिसाइज करने पे ये हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो, जल्दी दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है।